दोस्तों हम लोग अक्सर ही एक बुद्धिमान इंसान को चाणक्य की उपाधि दे देते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग चाणक्य के बारे में जानते होंगे। वो कोई राजा नहीं थे और ना ही योद्धा थे, लेकिन अपनी नीति के बल पर उन्होंने एक राजवंश का नाम निशान तक मिटा दिया था और इसी के चलते चाणक्य को दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में गिना जाता है। यहाँ तक कि उनकी नीतियों का इस्तेमाल आज के जमाने में भी किया जाता है और आज भी उनकी नीतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आखिर कौन थे चाणक्य और क्यों इन्हें सदी का सबसे बुद्धिमान आदमी माना गया था और क्या थी इनकी चाणक्य नीति, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चाणक्य श्री चाणक्य के पुत्र थे। चाणक्य कोई राजा नहीं थे, लेकिन वो एक राजा से बढ़कर थे। पुरानी कहानियों के माने तो एक बार मगध राज्य में किसी हवन का आयोजन किया गया था जिसमें चाणक्य भी पहुंचे थे और वो वहां जाकर एक बड़े आसन पर बैठ गए। वहां मौजूद महाराज नंद ने उन्हें आसन पर बैठे देख चाणक्य के पहनावे को लेकर उनका अपमान कर दिया। उन्हें आसन से उठने का आदेश दे दिया, जिससे गुस्सा होकर चाणक्य ने पूरी सभा के बीच नंद वंश के राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा ले ली थी। उन्होंने अपने अपमान के जवाब में कहा कि व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर बैठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई भी ऊंचा नहीं हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से बालक राजकुमार चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा देकर सम्राट की गद्दी पर बैठाया था। आज हम चाणक्य की नीतियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी नीति को अपनाकर चाणक्य ने राजा नंद की गद्दी को छीना था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय चाणक्य ने अपने अपमान के समय ज्यादा कुछ नहीं कहा था और मौन रहना ही ठीक समझा था, लेकिन बदले की आग को अपने भीतर संजो कर रखा और यही चाणक्य की एक नीति थी। अगर आज के समय में भी अगर कोई अपमानित करे तो चुप रहे तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता, बल्कि अपमानित व्यक्ति को ऐसे लोगों की तरफ देख कर केवल मुस्कुराना चाहिए जिससे वो खुद ही अपमानित महसूस करने लगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं चाणक्य की बाकी नीतियों के बारे में। अपने गोल्स के बारे में कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य की नीति के मुताबिक हमें कभी किसी को भी अपने गोल्स के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को अपने गोल्स और अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं तो हमें दो तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। एक तो वो लोग जो हमारे गोल्स को सुनकर हमेशा खुश हो जाते हैं, ऐसे में उनको सुनकर हम भी खुश हो जाते हैं कि लोग हमसे ऑलरेडी इम्प्रेस हैं और हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा मोटिवेशन ऑलरेडी डाउन हो जाता है। और एक ऐसे जो हमें नेगेटिव बोलते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, ऐसे में हमारा मन भी काफी नेगेटिव हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें हमारे गोल्स के लिए सही नहीं है, इसलिए हमें हमेशा अपने गोल्स को सीक्रेट रखना चाहिए और दूसरों के सामने डायरेक्ट उन्हें पूरा करके ही दिखाना चाहिए। किसी भी गोल को डिसाइड करने से पहले खुद से करें ये सवाल। दोस्तों हमारी जिंदगी में गोल तो हम सभी बना लेते हैं और अक्सर लोग उसे पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने लक्ष्य को पूरा करके खुश नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले खुद से तीन सवाल हमेशा करने चाहिए। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इस काम को करने के बाद इसका क्या परिणाम होगा? और तीसरा, खुद से ही पूछें कि क्या आपको इसमें सफलता मिलेगी। और अगर ये तीनों ही सवालों के जवाब ऐसे हों जिनसे हम संतुष्ट हों तो अभी उस काम को करें, क्योंकि बहुत बार लोग एक दूसरे के गोल को अपना समझ लेते हैं। Nobody is special। चाणक्य मानते थे कि कोई भी स्पेशल नहीं होता है, लेकिन कोई भी स्पेशल बन जरूर सकता है। जैसे कि आज की दुनिया एक चेस का बोर्ड है और हर पीस के पास कोई ना कोई पावर जरूर होती है। किसी के पास ज्यादा पावर होती है तो किसी के पास कम पावर होती है। जिस तरह से एक चेस बोर्ड का सबसे कम पावर का पीस भी अपने कर्मों से किसी भी तरह के खेल को बदल सकता है, उसी तरह से कम पावर वाला इंसान भी कभी भी गेम को पलट सकता है। जिस तरह चाणक्य के पास कोई खास पावर नहीं थी और ना ही कोई बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कम पावर से एक राजवंश को खत्म कर दिया था। अगर हम देखें तो आज के राजा कौन है? नेता, किसी बड़ी सी कंपनी का सीईओ या फिर किसी संस्था का मालिक, सभी अपने लेवल पर राजा हैं। लेकिन चाणक्य की नीति हम सभी को यही सिखाती है कि कोई कितना भी बड़ा सिस्टम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी नींव कमजोर है तो एक नॉर्मल इंसान भी उसमें तबाही मचा सकता है। और आज ना जाने ऐसे कितने उदाहरण में देखने को मिलते हैं जिसमें एक इंसान ने कंपनी के खिलाफ केस लड़ा और वो देर से ही सही पर केस जीत गया। चाणक्य मानते थे कि कोई भी पावर, किसी भी रुतबा और दुनिया में कोई भी चीज न्याय से बड़ी नहीं होती है और ना ही कोई इतना स्पेशल और पावरफुल होता है कि उसे कभी कोई हरा ही नहीं पाए। दोस्त और दुश्मन में अंतर क्या होता है?
पुराने समय में जब भी कोई राजा किसी दूसरे राजा से जीत जाता था तो हारे हुए राजा के सैनिकों को अपनी सेना का हिस्सा बना लेता था। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि कल तक जो लोग एक राजा के दुश्मन हुआ करते थे, राजा उन्हीं को अपनी सेना में शामिल कर लेते थे। अगर वही लोग कल को राजा पर हमला कर दें तो ऐसे में चाणक्य का मानना था कि आइडेंटिटी यानी कि पहचान एक स्विच की तरह नहीं होती जो कि अचानक से बदल जाए, बल्कि वो तो एक प्रोसेस होती है जिसे बदलने में टाइम लगता है। इस युद्ध का नियम यही है कि कोई भी हमारा परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कोई भी दोस्त वक्त आने पर दुश्मन बन सकता है, वहीं कोई भी दुश्मन मौका आने पर हमारा दोस्त बन सकता है। मदद मांगने से कभी नहीं डरना चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी किसी से मदद मांगने से घबराना नहीं चाहिए और ना ही डरना चाहिए। आजकल हम लोग खुद को काफी स्मार्ट समझते हैं और किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं। ऐसे में अक्सर हम लोग फेलियर का सामना करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बस हम ही सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं और हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाणक्य के मुताबिक किसी को कभी भी मदद की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ तक एक राजा को भी अपनी प्रजा और मंत्रियों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो जब एक राज्य को मदद की जरूरत होती है तो हमें क्यों नहीं। ऐसे में चाणक्य भी बताते हैं कि मदद लेनी किससे चाहिए। चाणक्य के मुताबिक अगर प्रॉब्लम पर्सनल हो तो वो हमें अपनों से लेनी चाहिए, वहीं अगर प्रॉब्लम प्रोफेशनल हो तो एक्सपर्ट से, और अगर प्रॉब्लम जनरल हो तो हमारे आसपास के लोगों से, जैसे कि हमारे कस्टमर से, ऑडियंस से, इन सबसे मदद लेनी चाहिए। सही प्रॉब्लम के लिए गलत जगह पर सोल्यूशन ढूंढना गलत है। इसके साथ ही हमें अपने कंपेटिटर से कभी मदद या सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें सही सलाह देता है तो वो हमारा कंपेटिटर है ही नहीं। दूसरों की गलती से सीखो। चाणक्य के मुताबिक इंसान तभी सफल होता है जब वो अपने साथ साथ किसी और की गलती से भी सीखता है। दोस्तों, खुद की गलती से तो सभी सीखते हैं, लेकिन अगर आगे जाना है तो दूसरों की गलती से सीखना बहुत जरूरी है। एक इंसान के पास कभी इतना टाइम नहीं होता कि वो हर बार गलती करे और फिर अपनी गलती से कुछ सीखे। इसलिए इंसान को हमेशा अपने आस पास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि लोग क्या गलती कर रहे हैं, और फिर उन गलतियों को कभी दोहराना नहीं चाहिए। अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक कोई भी इंसान कुछ सीखना चाहता है तो ये तभी पॉसिबल है जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकता है। वहीं अगर कोई इंसान कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही ना आना चाहे तो वो कुछ नहीं सीख सकता। इसलिए लोगों को हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही कुछ करना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक इंसान की इच्छा हमेशा उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ही पूरी होती है। हमें कभी भी किसी को अपने राज नहीं बताने चाहिए। दोस्तों, इंसान को कभी भी किसी को अपने गहरे राज, अपनी कमजोरी और अपने परिवार के राज नहीं बताने चाहिए। हमें कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब कौन हमारी कमजोरियों और हमारे राज का गलत फायदा उठा ले। इसलिए हमें कभी भी किसी दूसरे इंसान के हाथ में अपने राज बताकर अपनी जिंदगी का रिमोट नहीं देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।